भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेगी के खिलाफ लड़ेगी तो बिहार से उनको रास्ता बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बिहार में गलबैया होगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं जो कोडरमा का जो इलाका है, जय चतरा का जो इलाका है, पलामू का, गढ़वा का जो इलाका है, वहां 2 किलोमीटर दूर आप हंसी खुशी गलबैया करते हुए चलेंगे और रजौली की घाटी के इस पार आकर आप नाटक करेंगे। ये नाटक यहाँ के लोग समझते हैं आप कुछ नहीं, आप सौदेबाजी करने आए थे और उस सौदा में आप पर्दाफाश हो चुके हैं। हम लोग इस बात पे अब कन्विंस हो चुके हैं कि बार बार कभी मध्य प्रदेश, कभी गुजरात, कभी झारखंड से बाहर के छत्तीसगढ़, वहां के नेताओं को लाकर यहां पर स्थापित करने का जो लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो मंसूबा उनका पूरा नहीं होगा। 26 तारीख से हेमंत बाबू का जो बदलाव यात्रा शुरू हो रहा है, जिलों में कार्यक्रम होंगे और 19 अक्टूबर को रांची में जो विशाल बदलाव महारैली होगा, वो इस सरकार के जो कॉफिन है उस पे अंतिम कील हम लोग ठोकने का काम 19 अक्टूबर को करेंगे। इसी बात को लेकर आज आपसे मुखातिब होना था और आज गुरुजी हेमंत बाबू सहित पूरा पार्टी स्तब्ध है, शोकाहत है। देश ने एक बड़े राजनेता को खोया है, एक कुशल प्रशासक को खोया है। अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के ही केवल धरोहर नहीं थे, वो संपूर्ण राजनीति के एक सुलझे हुए व्यक्तित्व थे जो अपने विचारों से लोगों को परिचित करवाते थे, मतांतर को हमेशा सम्मान देते थे। वैसे नेता के विदाई के दिन हम लोग भी दुखी हैं, स्तब्ध हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।